हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी से रिलेटेड आज का वीडियो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन यानी कि पाचन तंत्र और पोषण उपापचय से रिलेटेड है। एंड ये मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। ये आपका 20वां प्रैक्टिस सेट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, और सभी चीज़ों को मैं आपको यूथ कंपटीशन से प्रैक्टिस करा रही हूँ। और जैसा कि दोस्तों आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेली बेसिस से मेरे साथ बने रहिए, जो भी बिल्कुल फ्री में आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको अच्छी क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रही हूँ। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि श्वास नली और भोजन नलिका को उत्तकों की एक छोटे से झुंड द्वारा अलग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। जैसा कि हमारे श्वास नली और भोजन नली जो हमारा कंठ होता है, वहाँ पे देखेंगे श्वास नली भोजन नली के पास एक ढक्कन जैसा होता है, लटका रहता है। जब हम श्वास लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि वो श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे हमारा भोजन जो है श्वास नली में न जा सके। कभी कभार क्या होता है कि हमारा माइंड दूसरे तरफ होता है या हमारा पूरा फोकस नहीं रहता है खाने पे, तो क्या होता है कि जो दिमाग होता है ये सोच नहीं पाता है कि उस एपिग्लोटिस को भोजन श्वास नली को बंद करना है। तो एकाएक भोजन जो है श्वास नली में चला जाता है, जिससे छींक आती है और जो भोजन होता है नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि भोजन बाहर नहीं निकलता नाक के द्वारा, और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि एपिग्लोटिस जो है सांस लेते समय भोजन नली को और भोजन करते समय श्वास नली को बंद कर देता है, जिसमें किसी दोनों में बाधा नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न आहार द्रव्यों में उपस्थित विटामिन सी की प्रतिशत मात्रा के अनुसार उन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। और इन द फॉलोइंग फूड आइटम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ विटामिन सी प्रेजेंट इन आइटम देव। तो दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में आपको, यानी कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, फिर कम किस में पाया जाता है, यानी ज़्यादा से कम आपको देखना है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका आंवला में, ठीक है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। उसके बाद आपका आंवले के बाद दोस्तों अमरूद में पाया जाता है। आंवले के बाद किस में पाया जाता है? अमरूद में, ठीक है। उसके बाद संतरा में, उसके बाद टमाटर में, ठीक है। तो 4123 आसन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। आंवला में विटामिन सी की मात्रा 800 मिलीग्राम एंड अमरूद में 228.3 मिलीग्राम एंड संतरा में 52.2 मिलीग्राम 88% एंड टमाटर में जो है 13.7 मिलीग्राम 22% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे आहार में के सारे सार घटक जो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल है वो क्या है? तो हमारे आहार का सार घटक जो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल है वो है हमारा प्रोटीन एंड फैट्स यानी वसा। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रोटीन जो होता है वो पेशियों व अन्य शारीरिक टीशू या कोशिकाओं के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन की बुनियादी रचना अमीनो एसिड से होती है, और जो वसा यानी फैट होता है ये ऊर्जा का प्रचुर स्रोत होता है, और चर्बी में घुलने वाले जो वसा में घुलनशील विटामिन फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं उनको पचाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वयस्क के लिए प्रोटीन की संतुति दैनिक मात्रा क्या है? द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन फॉर एन एडल्ट। तो दोस्तों, ये आपका होता है साधारण अवस्था में जो एडल्ट व्यक्ति है, वयस्क है, उसको 0.8 ग्राम से 1 ग्राम तक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 0.8 से 1 ग्राम, ठीक है, प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर 0.8 होता तो 0.8 यहाँ पे राइट होता, पर 0.8 नहीं दिया है, तो 0.8 से 1 ग्राम तक होता है एक प्रति केजी के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता, ठीक है। तो 1 ग्राम प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आपको
एक वयस्क व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी कि आपका वजन 60 kg है, तो आपका 60 से 61 62 ग्राम आपको प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर 70 kg है तो 70 से 72 या 75 आपको प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको सही मिलान करना है। यहाँ पे आपको देखना है ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखेंगे विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, तो आपका ए का 3 हो जाएगा। एंड विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो डी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1। एंड आपका विटामिन के क्या कहता है, ए आपको रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, रक्त को जमने के लिए आवश्यक होता है, तो आपका सी का हो जाएगा 4। उसके बाद लौह तत्व क्या करता है, आयरन क्या करता है, आयरन एलिमेंट हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, तो डी का हो जाएगा 2। इस बार 3142, 3142 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अनाज में सर्वाधिक रेशा पाया जाता है, विच ऑर्गन कंटेन्स द मोस्ट फाइबर। फाइबर को हम रेशा कहते हैं हिंदी में, जो आपके जैसे कि आप संतरा चूसते हैं तो उसमें जो रस के अलावा जो रेशा होता है वो एक प्रकार का रेशा होता है। एंड जैसे कि गेहूं का आटा हो गया, तो उसमें जो आप चालते हैं उसके बाद जो बचता है वो भी एक प्रकार का रेशा है। तो सर्वाधिक रेशा जो होता है ये गेहूं में पाया जाता है, जो ये ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग गेहूं में पाया जाता है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग गेहूं में पाया जाता है, यानी जिसको दिए गए विकल्प में सभी अनाजों की अपेक्षा सर्वाधिक रेशा जो है फाइबर गेहूं में पाया जाता है। गेहूं विभिन्न कंपनी उत्पादों द्वारा रेशा युक्त आटा और रेशा मुक्त आटा भी बनाती है। जब हम बिना चाले खाएंगे तब उसमें आपको फाइबर मिलेगा, अगर चाल देंगे उसको तो आपको फाइबर नहीं मिलेगा, रेशा नहीं मिलेगा। रेशा क्या होता है कि हमारे भोजन को सही से पचाने में मदद करता है और हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखने में मदद करता है। एक कोई आपको फाइबर जो है ऊर्जा नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन से कथन सही है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो यहाँ पे देखना है A1 है कि निश्चित सीमा से अधिक जमा होने पर विटामिन ए और डी जो है वो जहरीले हो जाते हैं, ये बात सही है। अगर जितना आपको आवश्यकता है उससे ज़्यादा आप विटामिन ए और डी ले रहे हैं तो वो जहरीले हो जाते हैं, तो ए आपका सही है। एक दूसरा है, कैल्शियम और सोडियम को प्रमुख खनिज कहा जाता है। तो आपको पता है कि कैल्शियम हो गया, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये प्रमुख खनिज हैं, जबकि यानी कि मेजर मिनरल्स शरीर को ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि लघु खनिज यानी कि माइनर मिनरल जिसे हम ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं उसके अंतर्गत आपको आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम, मैंगनीज, अल्युमिनियम, फ्लोरीन आता है। तो 2 भी आपका राइट है। एंड जिंक और आयोडीन को ट्रेस खनिज कहा जाता है। अभी जस्ट मैं बताई कि आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, सोलिनियम, फ्लोरीन, ये शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये आपका ट्रेस खनिज या माइनर खनिज या माइक्रो खनिज कहा जाता है, तो ये 3 भी आपका राइट है। 4 है, राइबोफ्लेविन और थायमिन वसा में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों नहीं, राइबोफ्लेविन जो है हम विटामिन B2 को कहते हैं और थायमिन B1 को कहते हैं। आपको पता है विटामिन बी और सी और एच ए जल में घुलनशील वाटर सोल्युबल विटामिन है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। तो 1 2 3 आपका राइट है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंड
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, पदार्थ में विटामिन बी नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे किस पदार्थ में विटामिन डी नहीं पाया जाता है? विटामिन बी नहीं पाया जाता है दोस्तों, बी कॉम्प्लेक्स मटर में, मांस में, फल में पाया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बट आपका टमाटर में नहीं पाया जाता क्योंकि टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तभी जस्ट बताइए, विटामिन बी और सी और एच, वाटर सेल्युबल विटामिन है, ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन है। एंड जो आपका ए डी ई के या के ई डी ए कीड़ा कहिए, इसको सूत्र से याद करिए, के ई डी ए कीड़ा, कीड़े को आप डालेंगे किसमें? पानी में तो नहीं घुलेगा, किसमें घुलेगा? वसा में, तो कीड़ा ए डी ई के कहिए चाहे के ई डी के, ये वसा में घुलनशील है, ठीक है, वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे विटामिन सी जो है आपका वो पानी में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आहार में निम्न में से कौन सा तत्व अपोषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डाइट इज नॉन न्यूट्रिशंस? तो कैल्शियम भी न्यूट्रिशन देता है, फॉस्फोरस, मिनरल्स, बस फाइबर जो है अपोषक है। फाइबर जो है एक प्रकार का रेशा होता है, जो अपोषक होता है, ये कोई एनर्जी नहीं देता हमारे शरीर में, जो सफाई करने का काम करता है और मेटाबॉलिज प्रक्रिया में ये मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रमाकुंचन होता है, पेरिस्टाल्सिस ऑकर्स इन, तो दोस्तों क्रमाकुंचन जैसे हमारे ये होता है आइसोफेगस में, यानी कि जो भोजन नली होती है उनमें रिंग के समान वृत्ताकार पेशियों की अनैच्छिक गति होती है, और जिसके कारण जो हमारा भोजन होता है वो आगे बढ़ता है पाचन तंत्र में, जैसे कि और आमाशय में भी और छोटी आंत में भी, सभी में पेरिस्टाल्सिस यानी कि क्रमाकुंचन गति होती है, जिसके कारण भोजन जो है अपने में जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा करके आगे भेजता है। तो यहाँ पे आइसोफेगस में आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में नवजात शिशु का औसत वजन क्या होता है? व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए न्यू बॉर्न बॉबी इन इंडिया? तो दोस्तों नवजात शिशु का जो मेल बच्चे का वेट होता है 2.8 से कितना होता है, 2.8 से 3.2 केजी होता है, जबकि मेल का क्या होता है, फीमेल का क्या होता है, फीमेल बच्चा जो होता है उसका होता है 2.7 से 3.1 केजी, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में नवजात शिशु का औसत वजन जो होता है 2.8 केजी होता है, ठीक है, 2.8 से 3.2 केजी, जबकि वही फीमेल बच्चा का 2.7 से 3.1, बस एक पॉइंट का अंतर है, ठीक है। और माँ का वेट अच्छा होने से बच्चे का भी वेट भी अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विशिष्ट खाद्य पदार्थ के द्वारा बढ़े रक्त शर्करा का मापन किस सूचकांक के अंतर्गत किया जाता है? विच इंडेक्स मेजर्स द इंक्रीज इन ब्लड शुगर ड्यू टू स्पेसिफिक फूड? तो दोस्तों इसको हम जांच करते हैं ग्लाइसेमिक सूचकांक यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स के द्वारा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, यानी कि विशिष्ट खाद्य पदार्थ के द्वारा बढ़े रक्त शर्करा का मापन ग्लाइसेमिक सूचकांक ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंतर्गत किया जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि जिसे हम शॉर्ट में GI भी बोलते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों की रैंकिंग है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि भोजन में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज बनने में कितना समय लगता है। यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों के लिए एक रेटिंग प्रणाली है, यह वह दर्शाता है कि प्रत्येक भोजन आपके रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को कितनी जल्दी प्रभावित करता है। जब वह भोजन स्वयं खाया जाता है तब कम GI रेटिंग वाले खाद्य पदार्थ खाने से रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, यदि वह 55 या उससे कम हो तो आपके लिए अच्छा होता है। जो कम GI यानी कि कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन हो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो कम, मीडियम और अधिक में रखा गया है, तो कम GI 55, फिर मॉडरेट, मिडिल में आपका 56 से 69
और 70 से ज्यादा है तो आपका अधिक GI है, वो आपके लिए बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसकी कमी के कारण स्वाद की कमी और चोट ठीक होने में देरी की शिकायत हो सकती है, यानी आपको स्वाद नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी कैन कॉजेज लूज लॉस ऑफ टेस्ट एंड डेलेट इंजरी हीलिंग। तो किसी कमी कारण आपको स्वाद नहीं लगता भोजन में और चोट लगने पर देरी से भरता है, तो ये होता है जिंक की कमी के कारण। किसी कारण? जिंक की कमी कारण, यानी जिंक की कमी से स्वाद में कमी और चोट ठीक होने में देरी हो सकती है। जिंक जो है मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये सेल का उत्पादन, प्रतिरक्षा कार्य और घाव को भरने में मदद करता है। जिंक एक वयस्क पुरुष के लिए 11 मिलीग्राम की औसतन रोजाना जरूरत होती है और वयस्क महिला के लिए 8 मिलीग्राम की रोजाना जरूरत होती है। जिंक की कमी से शरीर में जो है विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि वजन का कम होना, कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना, मानसिक स्वास्थ्य पर असर होना, स्वाद और गंध का पता नहीं चलना, बार बार दस्त होना, बालों का झड़ना, घाव का देरी से भरना आदि लक्षण दिखाई देते हैं जिंक की कमी हो जाने पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बुलिमिया नरोसा क्या है? व्हाट इज द बुलिमिया नरोसा? दोस्तों, बुलिमिया नरोसा जो है एक प्रकार का भोजन विकार है। अधिक भोजन लेने से बुलिमिया नरोसा होता है, यानी भोजन का अधिक मात्रा में ग्रहण करने से बुलिमिया नरोसा, यानी कि क्षुधा अतिशय या अति क्षुधा, जिसे हम इंग्लिश में बुलिमिया नरोसा कहते हैं। अब कम भोजन लेने से क्षुधा अभाव, यानी कि एनोरेक्सिया नरोसा होता है, याद रखिएगा। भोजन विकार में, ईटिंग डिसऑर्डर में आपका एनोरेक्सिया नरोसा और बुलिमिया नरोसा दोनों आता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि एनोरेक्सिया नरोसा जिसे हम क्षुधा अभाव यानी कि अल्प आहार लेने से होता है, जबकि क्षुधा अतिशय जिसे हम बुलिमिया नरोसा कहते हैं, ये अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करने से होता है। यानी कि बुलिमिया नरोसा एक गंभीर और जानलेवा भोजन ईटिंग डिसऑर्डर है। बुलिमिया में पीड़ित लोग पहले ढेर सारा खाना खा लेते हैं और फिर मोटापे के डर से बहुत ज़्यादा व्यायाम करने लगते हैं, या खाए गए खाने को उल्टी न आते हुए भी उल्टी कर देते हैं। कभी कभी लोग थोड़ा सा खाना खाकर भी इसे उगल देते हैं। इस दोहरी क्रिया से पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचता है और शरीर में रासायनिक असंतुलन पैदा हो जाता है, जो दिल के साथ साथ शरीर के कई मुख्य अंगों के कामकाज को नुकसान पहुंचाता है। यह खतरनाक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। देखते हैं ए बी सी डी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, एंटीबॉडीज कौन बनाता है? तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है एंटीबॉडीज बनाता है, तो ए का 4 हो जाएगा। एंड आंतरिक अंगों की सुरक्षा कौन करता है दोस्तों? तो वसा जो होता है हमारे शरीर के एडिपोज टिश्यू के अंदर जमा होकर के हमारे त्वचा आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। तो यहाँ पे आपका आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है वसा, तो आपका बी का 1 हो जाएगा। एंड सी है, अस्थियों दांतों के लिए आवश्यक क्या होता है? जो कैल्शियम होता है वो अस्थियों दांतों के लिए आवश्यक होता है, सी का 2। हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है, तो हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है लौह तत्व। कौन सहायक होता है? लौह तत्व, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी का 3 हो जाएगा। इस प्रकार 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ प्रोटीन? दोस्तों अंडा हो गया, अंडा, मांस, दूध, ये सभी चीज़ों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जबकि खाद्य तेल जो है ये प्रोटीन का सोर्स नहीं है, ये वसा यानी फैट का सोर्स है। प्रोटीन, जैसे प्रोटीन का सोर्स में आपका अंडा, मांस, दूध, दाल, मछली आदि आती हैं। प्रोटीन से शरीर में जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जो जीव कोशिकाओं का आधार होता है।
प्रोटीन वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय यानी स्टोमस से आरंभ होता है, जिसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? तो आपको पता है ये कैलोरी में मापा जाता है या किलो कैलोरी द्वारा मापा जाता है। कैलोरी की ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? दोस्तों छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो यहाँ पे डेडुनम, जेजुनम, इलियम ये तीनों छोटी आंत के भाग हैं, बट ग्रेनियम नहीं है। छोटी आंत जो 6 से 6.5 मीटर लंबा होता है, 22 फीट के लगभग, और उसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। जो डेडुनम होता है 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, जेजुनम जो है 2.6 मीटर लंबा, और जो इलियम होता है 3.6 मीटर लंबा, यानी इलियम सबसे बड़ा होता है। जो डोटिनम होता है वहाँ पे आपका छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग होता है जो अमाशय से जुड़ा रहता है, अमाशय से भोजन पहले डेडुनम में आता है। इसी डेडुनम में जो है पित्ताशय नली पित्ताशय से जुड़ी रहती है, अग्नाशय नली जुड़ी रहती है, जहाँ पे अग्नाशय रस और पित्तरस दोनों आकर के भोजन में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कि प्रतियोगिता के पूर्व आहार में अधिकता होनी चाहिए, प्री कंपटीशन डाइट शुड बी रिच इन। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, तो ये आपका प्रतियोगिता से पूर्व आहार में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है। यह शरीर में शक्ति और शक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत होता है, जैसे विभिन्न अनाजों एंड केला, अमरूद, चुकंदर, चावल, गेहूँ, शक्कर आदि, गन्ना आदि में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का 20 MCQ क्वेश्चन। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँचे, और डेली बेसिस पे सीरियस होकर आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।